जी हाँ नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बड़ा धमाका हो चुका है आप सभी के लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना क्योंकि समझ में आएगा और समझ में आएगा तो आप खुशी से झूम जाएंगे क्योंकि दोस्तों अब आपकी परेशानी जो है कम होने वाली है। अब आप खुद ही एक आपके लिए ऐसा ऑप्शन आने वाला है, गवर्नमेंट उसको आने वाला कह रही है लेकिन दोस्तों वो ऑप्शन आ चुका है। अगली वीडियो हम आपके लिए वही डालने वाले हैं दोस्तों कि किस कार आप हेड यानी कि अब जो फैसला करेगा आप मुखिया यानी कि अगर आप फैमिली आईडी के मुखिया हैं वही इसका फैसला करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों अब परिवार पहचान पत्र से डिलीट कर पाएंगे अनवांटेड मेंबर का नाम। दोस्तों अनवांटेड मेंबर जो होते हैं वह अदर्स होते हैं, जैसा कि कोई भी इधर उधर से आपकी फैमिली आईडी में कोई मेंबर घुस आता है या फिर आप उसको नहीं जानते हैं उनको हम अनवांटेड मेंबर कह सकते हैं या फिर कोई अदर्स भी है जो आपकी फैमिली का नहीं है आप उसको डिलीट कर पाएंगे, वो भी मुखिया खुद उसको अपने बाय मोबाइल से डिलीट कर पाएगा। दोस्तों कुछ खास खबर है यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यमुनानगर से है। फैमिली आईडी पोर्टल में सुधार के लिए अब आए दिन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, आए दिन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब जो नया ऑप्शन दिया गया है उससे संबंधित परिवार को सदस्य का नाम एडिट डिलीट करने के लिए शायद ही सीएससी पर जाना पड़ेगा। क्या बात है दोस्तों, अब क्योंकि स्मार्टफोन के माध्यम से घर पर ही उन मेंबर के नाम फैमिली आईडी से हटाया जा सकता है जिसको मुखिया रिमूव करना चाह रहा है। पोर्टल पर दिया यह ऑप्शन जल्द एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो चुका है। आईटी एक्सपर्ट सचिव जो सचिन कुमार का कहना है कि परिवार पहचान पत्र में अब कई नए ऑप्शन आए हैं, अब परिवार से किसी सदस्य को हटाना है तो परिवार पहचान पोर्टल पर जैसे ही जाएंगे सामने कई ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें एड्रेस, नाम, फादर नेम, फादर लास्ट नेम, व्यवसाय, आय, मोबाइल नंबर, अकाउंट के ऑप्शन सामने आएंगे। उसमें ही एक नया ऑप्शन दिया गया है जिसके जरिए से फैमिली उस सदस्य का नाम हटा सकती है जिसे रिमूव करना चाह रही है। एक सीएससी संचालक ने बताया कि उसके पास भी काफ़ी संख्या में लोग इस तरह का कार्य लेकर आते हैं, अभी तक यह ऑप्शन इसमें शो नहीं हो रहा है, अब दिखाई देने लगा है, उससे बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों को लाभ होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और प्यारा सा लाइक और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। अब की इस कमेंट का रिप्लाई हम आपका ज़रूर करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।